वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल साहिल मार्क में आपका स्वागत है गाइज। और आज का वीडियो है पासपोर्ट के ऊपर, पासपोर्ट होल्ड हो जाने के बाद क्या करें और दूसरा पासपोर्ट होल्ड क्यों होता है। तो गाइज मेरा भी मैंने पासपोर्ट बनवाया है, आप देख सकते हो। तो ये पासपोर्ट मेरा होल्ड हो गया था, तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था ऑनलाइन। जब स्टेटस चेक कर रहा था तो मेरा होल्ड बता रहा था, मैं बहुत ही परेशान था एक महीना। और उसके बाद में क्या हुआ कि फ़ोन लगाया हेल्पलाइन नंबर, तो कस्टमर केयर से बात हुई मेरी, तो उसने बोला कि ऐसा है सर कि आपको अपना मार्कशीट और आधार कार्ड लेके पासपोर्ट रीजनल ऑफिस लखनऊ आना पड़ेगा। तो गाइस मैंने 10 दिन के बाद में पासपोर्ट जो रीजनल ऑफिस होता है वहाँ पे गया था। तो जब मैं पासपोर्ट ऑफिस गया तो वहाँ पे जैसे जाने पासपोर्ट रीजनल ऑफिस जाने पे लखनऊ, वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, 9 बजे खुलता है और उस फॉर्म में आप अपना पासपोर्ट फाइल नंबर भरना है, अपना नाम भरना है, एड्रेस भरना है और वो जमा हो जाता है। फिर जमा हो जाता है जो वो पासपोर्ट अधिकारी के पास अंदर कार्ड लेके जाते हैं, फिर उसके बाद जो वो फॉर्म आता है तो आपको अंदर बुलाते हैं। तो आप जाइए और वहाँ बताइए कि सर मेरा इतना दिन हो गया और वहाँ पे जैसे पासपोर्ट मेरा होल्ड क्यों बता रहा है। तो वो जो आपसे मार्कशीट मांगेगा, आधार कार्ड मांगेगा और देखेगा। फिर उसके बाद गाइस टेंशन लेने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, आपका 2 दिन के बाद आपका जो होल्ड का स्टेटस दिखा रहा है पासपोर्ट का, वो चेंज होके प्रिंटिंग डिस्पैच होके 1 हफ्ते के अंदर आपके घर आ जाएगा। तो गाइस मैं ऐसे ही परेशान था और मेरा पासपोर्ट होल्ड हो गया था, तो मैं लखनऊ गया और पासपोर्ट ऑफिस में अपना मार्कशीट लेके हाई स्कूल का और आधार कार्ड लेके गया और वहाँ पे पासपोर्ट अधिकारी ने चेक किया। तो मेरा क्या हुआ, 10 दिन के अंदर में मेरा पासपोर्ट मेरे घर पे आ गया। तो पासपोर्ट होल्ड क्यों होता है, पासपोर्ट होल्ड इसलिए होता है जैसे हम हाई स्कूल पे बनवा रहे हैं